अलग गोरखालैंड राज्य की मांग को लेकर हो रहे प्रदर्शन लगातार एक महीने से जारी हैं। मंगलवार को दार्जिलिंग में प्रदर्शनकारियों की पुलिस से हिंसक झड़प हुई। अब गोरखालैंड की मांग कर रहे दल दिल्ली में प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। दार्जिलिंग बंद को एक महीने से ज्यादा हो चुका है। अलग गोरखालैंड राज्य की मांग को लेकर तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा। लोग सड़कों पर है, बाजार बंद है, आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। मंगलवार को मेरिक इलाके में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की दो गाड़ियों और एक पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया। दरअसल सोमवार को आशीष तमांग नाम के एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई। आरोप है कि उसकी मौत पुलिस की गोली लगने से हुई। उसी के शव के साथ आंदोलनकारी मंगलवार को प्रदर्शन कर रहे थे। पहले तो आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन अचानक इस प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, साथ ही पुलिस फोर्स पर पेट्रोल बम से भी हमला किया, जिसके बाद पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। मंगलवार को इस अनिश्चितकालीन बंद का समर्थन कर रहे स्थानीय दलों की समन्वय समिति की बैठक भी हुई, जिसमें इस हड़ताल को आगे भी जारी रखने का फैसला किया गया। साथ ही ये समन्वय समिति आने वाले 1 अगस्त को दिल्ली में एक समीक्षा बैठक करेगी, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। अनमोल कुमार, गो न्यूज़।